नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बनाने के पीछे कुछ दोस्तों द्वारा क्वेश्चन किया जाता है उसी पर आधारित बनाया हूँ। हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसे कैसे जाने कि कौन सा वस्तु कितना यूनिट एक दिन या वन मंथ में कंज्यूम कर रहा है, जैसे फैन, एसी, फ्रिज, एलईडी बल्ब, टीवी, वाटर पंप, मोटर इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन, 100 किलोवाट का बल्ब अगर हम लोग यूज करते हैं तो एक यूनिट कितना समय में खपत करेगी। तो दोस्तों इसे विस्तार से समझते हैं, 100 वाट का बल्ब कितने समय में एक यूनिट बिजली खपत होगी, इसे जानने के लिए हम लोगों को इसे जानना होगा। 1000 वाट इंटू एक घंटा बराबर एक यूनिट या एक किलोवाट होती है। इससे पता चलता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल वस्तु 1000 वाट का है तो एक घंटा यूज करने पर एक यूनिट बिजली खपत करेगी। क्वेश्चन के अनुसार 100 वाट का बल्ब इसे 100 वाट डिवाइडेड बाय 1000 वाट से करने पर 10 घंटा आएगा। तो दोस्तों 100 वाट का बल्ब 10 घंटे यूज करते हैं तो एक यूनिट बिजली खपत होगी। अब एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे बिजली यूज करते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट आएगा और वन मंथ में कितना होगा। 100 वाट का बल्ब 4 घंटे में यूज करते हैं तो टोटल वाट 100 वाट इंटू 4 घंटे से मल्टीप्लाई करने पर 400 वाट आएगा। अब इसे 400 वाट डिवाइडेड 1000 वाट से करने पर 0.4 यूनिट आएगा। अगर 100 वाट का बल्ब 4 घंटे यूज करते हैं तो 0.4 यूनिट बिजली खपत होगी। अगर इसे वन मंथ का निकालना है तो 0.4 30 से मल्टीप्लाई करने पर वन मंथ का कंज्यूम यूनिट निकल जाएगा। अब इसे फैन, एसी, फ्रिज, एलईडी बल्ब, ट्यूब, टीवी इत्यादि जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, यह वस्तु कितना ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा है, इसे विस्तार से समझते हैं, इसे एक चार्ट के माध्यम से जानते हैं। अगर दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी प्रकार का बेनिफिट वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिल सके। अगर दोस्तों झारखंड स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी रेट एवं सब्सिडी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग इस चार्ट के माध्यम से जानने वाले हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का नाम दिया हुआ है और उस वस्तु का वाट, जैसे एलईडी बल्ब 9 वाट, एलईडी ट्यूब 40 वाट, फैन 70 वाट, टीवी 100 वाट, वाटर पंप 1 एचपी 746 वाट, फ्रिज 105 वाट, एसी 1.5 टन। अब इसके द्वारा कौन सा वस्तु कितना यूज करते हैं उस वस्तु का नंबर दिया हुआ है। आप लोग अपने घर में कितना यूज करते हैं उसके अनुसार नंबर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब वाट एवं नंबर ऑफ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर टोटल यूनिट निकल जाएगा। जो सभी वस्तु के सामने टोटल वाट लिखा हुआ है, अब इसे 1000 वाट से डिवाइड करने पर एक घंटे का कंज्यूम यूनिट आ जाएगा। अब इसे एक दिन में कितना यूज करते हैं इससे मल्टीप्लाई करने पर एक दिन का कंज्यूम यूनिट निकल जाएगा। तो दोस्तों अब इस झारखंड इलेक्ट्रिसिटी रेट के अनुसार मल्टीप्लाई करने पर डे एनर्जी चार्ज निकल जाएगा। तो दोस्तों इस चार्ट पर सभी वस्तु का पर डे का एनर्जी चार्ज एवं यूनिट कंज्यूम्ड निकल गया। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो बेनिफिट साबित हुई होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी प्रकार का बेनिफिट वीडियो अपलोड करते रहते हैं। इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।